हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं आपको आज नूरसराय हॉल्ट, नूरसराय स्टेशन, ये हॉल्ट है मेन नाम। तो ये इसका एंट्रेंस अभी जो है कि यहां पर सिर्फ एक ही ट्रेन है पैसेंजर के लिए, जो उस ट्रेन की कहानी मैं बताऊँगा डाउन में। और ये रास्ता पकड़ के मेन नूरसराय शहर में चले जाएगा, फिर इस तरफ बिहार शरीफ है 10 किलोमीटर दूर, और इस तरफ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दनियावा होगी, पटना है। और इसे पकड़ के ये नूरसराय देखपुरा स्टेशन होते हुए, वो भी हॉल्ट है होते हुए, और वो चली जाती है बिहार शरीफ। तो नेवरा दनियावा में जो है कि दनियावा से बिहार शरीफ तक ये जो रूट है उसमें नूरसराय हॉल्ट है। तो ये कंप्लीट है, ये लगभग 40 किलोमीटर का सेक्शन है जिसमें मैं एक स्टेशन का अपडेट देने के लिए आया हूँ। इस तरफ जो देख रहे हैं आप तो बिहार शरीफ है देखपुरा होते हुए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सभी स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि नेवरा दनियावा जब बिहार शरीफ रूट चालू होगा तो ये सब डेवलपमेंट होगा। और देखिए आप यहाँ पे भी सीढ़ी वगैरह पहले से बना, वेटिंग हॉल वगैरह सब कुछ है, लेकिन अभी प्रेजेंट में एक ही ट्रेन है। इवनिंग में फतुहा से वो राजगीर चलती है, तो शायद 5 बजे वो खुलती है फतुहा से राजगीर के लिए, और मॉर्निंग में फिर 9 बजे वो फतुहा रिटर्न होती है। सुबह में शायद 6 बजे या 7 बजे राजगीर से खुलती होगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, लेकिन टाइम बता रहा हूँ। यहाँ पर FOB वहाँ है, ये सब चीज़ें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। ज़्यादा कोई ख़ास ज़मीन नहीं है यहाँ पर, लेकिन नूरसराय स्टेशन है। इस तरफ पब्लिक बहुत ज़्यादा बसी हुई है यहाँ पर। अभी जो मेन साधन है रूट ट्रैवलिंग के लिए वो बसेज ही है, जो दनियावा से होते हुए पटना को जाती है, फिर दनियावा से जो हिलसा जाना होता है वो जाते हैं। और इस तरफ देखिए फिर से सामने एक ROB है जो देख सकते हैं आप, उसका भी लगभग वर्क कंप्लीट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क बाकी होगा तो होगा, दूर से ऐसा लग रहा है, नज़दीक से जाने के बाद और पता चलेगा। और अभी सिंगल रूट है पूरा नेवरा से लेकर के और बिहार शरीफ तक, वो रास्ता है जो कटते हुए चली जाएगी। और इस तरफ से कुछ ऐसा दिखता है ये नूरसराय हॉल्ट, लेकिन फ्यूचर में इसका रीडेवलपमेंट होगा, गाड़ियाँ यहाँ रुकेंगी बहुत सारी, तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट दूंगा, दिखाता रहूँगा। ये एक FOB है जो बड़ा सन्नाटा है, यहाँ पर नहीं है कुछ तो कोई भी लोग बसे हुए हैं, लेकिन जैसे इसका डेवलपमेंट चलेगा तो बदलाव होगी, उसकी तस्वीर मैं लाऊँगा आप लोगों के बीच दिखाऊँगा। यहाँ पर खाने पीने की किसी तरह की सुविधा नहीं है, जो भी कुछ है आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, इस साइड 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर होगी, या मेन रोड सामने है जहाँ से आपको गाड़ी पकड़ करके और मेन हाईवे पकड़ करके आपको मेन बाज़ार इस साइड जाना पड़ेगा। खाने पीने के लिए, रहने के लिए आपको बिहार शरीफ ही जाना पड़ेगा। यह सीढ़ी से चलिए अब नीचे उतरता हूँ। लगे जब ये रूट बना था तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल की अच्छी खासी तैयारी हुई थी, और कभी यहाँ पर 6 ट्रेन का डिटेल दे रहा है कि है, लेकिन एक ही ट्रेन रुकती है, बाकी ये सब इन्फेक्शन सब है जो चीज़ जाँच उच हुआ है। लेकिन मालगाड़ियाँ इस रूट से बहुत गुजरती हैं, बहुत का मतलब है कि 10 मालगाड़ियाँ गुजरती हैं इस रूट से, इस साइड बिहार शरीफ को जाती है। चलिए अब मैं, यही एक छोटा सा अपडेट है, अब तो इसमें कुछ दिखाने को है नहीं, एक छोटा सा प्लेटफार्म है एक हॉल्ट की तरह, लेकिन हॉल्ट अच्छा खासा जगह पर है। यहाँ पर उतनी खासी अच्छी खासी आबादी नहीं है स्टेशन के अगल बगल, लेकिन दूर शहर है तो शहर बड़ा बाज़ार है इस साइड, और ये साइड जो देखिए आप। तो एक छोटा सा अपडेट था, चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फिर मैं इसका और भी स्टेशन का धीरे धीरे अपडेट करूँगा, क्योंकि गाड़ियों की सुविधा नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। सर सीधे जो है कि चंडी होते हुए और दनियावा जंक्शन चली जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ से कट जाती है पटना के लिए, या फिर नेवरा के लिए कटेगी जैसे डुमरी होते हुए। तो यही एक अपडेट है, इस तरफ यही बाज़ार है, ये ब्रिज जो है कि जो लगभग कम्प्लीट हो चुका है।